इवनिंग ऑल, मैं मोनिका मेहता अज तुहानू छेवीं क्लास का पार्ट 11 हैबिटेट्स एंड अडैप्टेशन अनुकूलन ते रहिंदे आवास स्थान लैसन करा रहे हैं। जिवें कि असी इस डायग्राम च चित्र च देख सकते हैं, ऊठ जड़ा हैगा डेजर्ट च रहिंदा, रेगिस्तान च, कई जानवर ओशन च रहिंदे है, कई जंगल च, कई वैटलैंड एरिया ग्रासलैंड ते कई अंटार्कटिक आइस दे विच भी रह लैंदे है, जिवें पोलर बियर पेंगुइन्स। इन्हां दे की है आवास स्थान हैबिटेट्स, जिहड़े जिस जगह ते कोई भी जानवर जंतु पौधा रहिंदा है, न्यूट्रिएंट्स लैंदा, वधदा फुलदा है, अपनी जनरेशन चलांदा, उस जगह नूं उसका आवास स्थान जां हैबिटेट्स कहा जाता है। आओ असी एक एक करके जानिए किहड़े किहड़े हैबिटेट्स हुंदे आ जां आवास स्थान। जिवें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सप वगैरह रहणगे, फ्रैश वाटर, सैमी डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह और ग्रासलैंड, नाल ही उन्हां दे नाल रहण वाले जानवर जंतु कोरल रीफ, डेजर्ट, टैंपरेट फॉरेस्ट, टूंडरा, ठीक है, जिथे बर्फ जमी रहती है, राजस्थान जिथे बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी है। तो यह जंतुओं के पौद्या के रहते आवास स्थान जिमें जंगल, डेजर्ट, ओशन, वुडलैंड, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, वैटलैंड्स, ये सारे की है हैबिटेट्स है एनिमल्स के और प्लांट्स के। ऊठ डेजर्ट्स च रहिंदा है, इसने अपने आप नूं डेजर्ट च रहन लई अनुकूलित किया, अडैप्ट किया है। किस तरह इहदी जिहड़ी पिट्ठ है उहदे उत्ते हंप हुंदा है जिहदे विच फैट स्टोरेज हुंदी है, जब वाटर फैट स्टोरेज होएगा जदों फैट किस्ट टुटदी हैगी है पानी दे विच चर्बी, तां इदां उसनूं रेगिस्तान च भी राजस्थान डेजर्ट दे विच भी पानी की कमी महसूस नहीं हुंदी। और जेड़े दे फुट है वो की हुंदे है ज़्यादा एरिया हुंदा, ज़्यादा चौड़े हुंदे है ताकि वो सैंड दे विच सिंक ना कर सकन, ठीक है। और लत्तां की है लंबी है ताकि वो धरती तो थोड़ा उपर होवे ते उन्हों गर्मी ना लवे लगे, ठीक है। आईलैशेज लोंग होनगियां तां डस्ट तो बचानगियां। इदां उठने अपने आप नूं अडैप्ट किया है। इहदे हंप हुंदे आ, हंप दे विच की है फैट है जिहदी सां क्रिया दे नाल फैट किस्ट बर्न होएगी पानी च, इदा उसनों पानी की कमी पूर्ति रहती है। जेड़े प्लांट्स है पानी चुगते हैं उन्हां दी जड़ां घट विकसित होनगियां, जिवें लोटस प्लांट पत्ते वड्डे होणगे, पत्ते दे अपर सरफेस ते स्टोमेटा होणगे और जड़ां दे विच एयर ब्लैडर होणगे ते जिन्हां दे विच हवा भरी होएगी ताकि ये प्लांट्स की है पानी दे सरफेस दे उत्ते तैरते रहन। लोटस हो गया। फिशेस ने अपने आप नूं पानी दे विच रहण लई खारे पानी दे विच मरीन अडैप्टेशन किवें कीती हुई है। फिशेस दे गिल्स हुंदे आ, फिन्स, फिन्स दी हैल्प दे नाल उह की आ तैरदे आ, और स्विम ब्लैडर हुंदा, और इहनां दी स्टीम लाइन धारा रेखी शेप हुंदी है तां कि इह पानी नूं चीर के लंघ सकन, वेद के लंघ सकन। तां इदां फिशेस दी स्टीम लाइन बॉडी। कैक्टस ने अपने आप नूं राजस्थान डेजर्ट्स दे रहन लई किवें अनुकूलित किया, अडैप्ट किया। जिहड़े पत्ते आ कंडिया दे रूप च हुंदे आ, सकुलेंट गुद्देदार स्टैम होएगा जिहदे विच पानी स्टोर हुंदा, और पत्ते कंडिया दे रूप च हुंदे आ, वैक्सी लेयर हुंदी उपर तां कि मोम दी परत चढ़ी हुंदी आ तां कि ट्रांसपीरेशन वाशप उत्सर्जन घट होवे। तो पत्ते किस दे रूप च है, कंडिया दे रूप च, कैक्टस वगैरह दे विच वैक्स दी लेयर है, स्टैम की है, सकुलेंट है, प्लांट्स दियाँ अडैप्टेशन हैगी है, तुसी देख सकते हो, ठीक है। सकुलेंट दा मीनस गुद्देदार। पेंगुइन ने पानी उहदे विच रहना बर्फ दे विच, ठीक है, अंटार्कटिक च, वाइट ते ब्लैक कलर दा हुंदा, इहदे फ्लिपर्स होणगे। पंछियां दे वी जिवें डक है उहनां दे वी वैब्ड फिट हुंदे आ, उहनां दे विच की होएगी वैब होएगा ते थिक स्किन होएगी जिहड़ी कि इन्हां नूं गर्मी तो बचांदी है। वैब्ड फीट इन्हां नूं स्विमिंग च हैल्प करदे आ, ठीक। और जिहड़ा कलर है वाइट कलर उस स्नो दे नाल मिलदा है, इदां कैमोफ्लेज हुंदा। और माइग्रेशन राही भी ये अपने आप नूं पंछी एक जगह तो दूसरी जगह उड़ के जांदे आ,
ਫੂਡ ਪਾਣੀ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕਰੇਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕੈਕਟਸ ਨੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਊਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਟਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 11 ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਟਰੈਸਟੀਅਲ ਓਸ਼ਨ ਜੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਪੋਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ